बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों से जेस स्कोर के कॉर प्रोग्राम के साथ सैयद याह हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दो आम फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी और नसीम शाह इंजरी मसाइल की वजह से एशिया कप वर्ल्ड कप 2023 जैसे अहम इवेंट से बाहर हो गए थे। इसके अलावा मोहम्मद हसनैन, एहसानुल्ला, हसन अली, शादाब खान और दीगर क्रिकेटर्स भी गुज़िश्ता चंद बरसों में फिटनेस मसाइल की वजह से पाकिस्तान टीम को दस्तयाब नहीं थे। क्रिकेट के मुख्तलिफ हलके खिलाड़ियों के फिटनेस को लेकर कई मरतबा पीसीबी को आड़े हाथों ले चुके हैं, लेकिन इस मरतबा सैयद मोहसिन रजा नकवी ने चेयरमैनशिप संभालते ही पाकिस्तान सुपर लीग के बाद खिलाड़ियों की फिटनेस को अव्वलीन तरजीह देते हुए उन्हें सुपर फिट होने के लिए एबटाबाद की काकुल एकेडमी भेज दिया, जिसके लिए 29 खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया। पाकिस्तान आर्मी के ट्रेनर्स की जेर निगरानी खिलाड़ी फिटनेस कैंप में शरीक हैं, जहाँ खिलाड़ियों की फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ मुख्तलिफ ड्रिल्स कराई जा रही हैं। काकुल अकेडमी में कौमी क्रिकेटर्स के दरमियान टग ऑफ वॉर का मुकाबला भी हुआ। रस्साकशी के इस मुकाबले में विकेटकीपर बैट्समैन आजम खान सबकी तवज्जो का मरकज रहे और उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का काकुल अकेडमी में फिटनेस कैंप 6 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा। 6 अप्रैल को खिलाड़ी मामूली रनिंग करेंगे, 12 बजे कैंप खत्म हो जाएगा। 7 अप्रैल को 2 बजे कौमी क्रिकेटर्स एबटाबाद से इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। 7 अप्रैल को कौमी क्रिकेटर्स आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की दावत पर इफ्तार डिनर में शिरकत करेंगे, जहाँ चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन रजा नकवी भी शरीक होंगे। इफ्तार डिनर के बाद तमाम कौमी क्रिकेटर्स ईद मनाने के लिए अपने अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। काकुल अकेडमी का फिटनेस कैंप ख़त्म होने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ईद उल फितर अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ मनाएंगे और इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज़ के लिए फिर इकट्ठा होंगे, जिसके लिए सिलेक्शन कमेटी 8 अप्रैल को कौमी टीम का ऐलान कर सकती है। मगर दूसरी जानब न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरे पाकिस्तान के लिए 15 अरकान पर मुश्तमिल अपनी टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें न्यूजीलैंड के नॉट टॉप क्रिकेटर्स पाकिस्तान नहीं आ रहे। न्यूजीलैंड के ये अहम खिलाड़ी पड़ोसी मुल्क भारत में आईपीएल खेलने में मसरूफ हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के मुताबिक ट्रेंट बोल्ट, डेविड कॉनवे, लॉकी फर्गुसन, मैट हेनरी और डैरल मिचेल आईपीएल में मसरूफ होने की वजह से टीम का हिस्सा नहीं बन पाए हैं, जबकि ग्लेन फ्लिप, रिची रविंद्रा, केन विलियमसन और मिचेल सैंटनर भी आईपीएल ही की वजह से दस्तयाब नहीं होंगे। केन विलियमसन और अहम खिलाड़ी की गैर मौजूदगी में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की क्यादत पहली मरतबा ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल करेंगे। पाकिस्तान के लिए कीवी स्क्वाड में फिन एलन, मार्क चैपमैन, जोश क्लासन, जैकब डफी, डैन फॉक्सक्राफ्ट, बैन लेस्टर और कॉल मैकॉन्ची के नाम शामिल हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मुकाबलों की यह सीरीज 18 अप्रैल से शुरू होगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 12 अप्रैल को पाकिस्तान के लिए रवाना होगी और 14 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगी। उधर एक तरफ मेंस क्रिकेट टीम काकुल अकेडमी में फिटनेस ट्रेनिंग में मसरूफ दिखाई दे रही है, तो दूसरी जानब कराची में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज़ के लिए पाकिस्तान खवातीन क्रिकेट टीम की 20 खिलाड़ियों का तरबियती कैंप शुरू हो गया है। खिलाड़ी 8 अप्रैल तक कराची में कैंप में शिरकत के बाद ईद मनाने के लिए अगले दिन वापस रवाना होंगी। 13 अप्रैल को स्क्वाड कराची में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 18 अप्रैल से शुरू होने वाली सीरीज़ की तैयारी के लिए जमा होगा। दो तरफा सीरीज़ में 3 वनडे ICC वुमेंस चैंपियनशिप का हिस्सा है, इसके अलावा 5 T20 भी खेले जाएंगे। वेस्टइंडीज़ खवातीन टीम के खिलाफ सीरीज़ की तैयारी के लिए प्रैक्टिस मैच भी खेला गया। प्रैक्टिस मैच में PCB वाइट्स ने PCB ग्रीन्स को 5 विकेटों से शिकस्त दी। PCB ग्रीन्स ने मुकर्रर 20 ओवर में 7 विकेट पर 144 रन बनाए। PCB वाइट्स ने 5 विकेट पर हदफ हासिल कर लिया। फातिमा सना ने 42 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। बिस्मा मारूफ ने 37, आयशा जफर ने 29 रन बनाए। अब हमारे साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट के उभरते हुए क्रिकेटर मिर्ज़ा साद बेग की, जिन्होंने स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है। खुशामदीद कहते हैं साद आपको, और साद बेग को आप इससे पहले कि हम साद बेग से गुफ्तगू का आगाज़ करें उनके क्रिकेट करियर पर कुछ बात कर लेते हैं। यकुम नंबर 2006 को कराची में पैदा होने वाले साद बेग ने 2012 में कस्टम अकेडमी से क्रिकेट का बाकायदा आगाज़ किया। इब्तदाई तौर पर टेप बॉल से क्रिकेट खेलने वाले मिर्ज़ा साद बेग जल्द ही कोचिज़ की नज़र में आ गए। उन्होंने हार्ड बॉल से क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। 2017 में पहली मरतबा कराची अंडर-13 क्रिकेट टीम के लिए मुंतखब हुए और यहाँ कोच मसरूर अहमद ने उन्हें अपने ज़ेरे निगरानी तरबियत दी, जिसके बाद साद बेग अंडर-16 से अंडर-19 टीम में भी मुंतखब हुए। 2023 में साद बेग को पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान अंडर-19 टीम ने बांग्लादेश का दौरा किया और वहाँ वनडे T20 और 4 रोज़ा मैच में कामयाबी हासिल की। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ में कौमी टीम की नुमाइंदगी की और एशिया कप 2023 में पाकिस्तान टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में अहम किरदार निभाया। मिर्ज़ा साद बेग की क़यादत में पाकिस्तान अंडर-19 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले चुका
चुका है, जहां पाकिस्तान ने मुसलसल 5 मैचों में फतह हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। लेकिन सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों सनसनी खेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 1 विकेट से नाकामी हुई। मिर्ज़ा साद बेग अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान के दूसरे कामयाब बैटर रहे, जहां वो 4 मैचों में 58.66 की औसत से 176 रन बनाने में कामयाब रहे, जिसमें उनकी 3 निप सेंचुरियाँ शामिल रहीं। अलबत्ता अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में उनका बल्ला ज़्यादा रन ना बना सका और वो 5 इनिंग में सिर्फ 1 निप सेंचुरी के साथ 92 रन स्कोर कर सके। तो खुश आमदीद कहेंगे मिर्ज़ा साद बेग आपको। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि अंडर 19 टीम की क़्यादत और आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान की कप्तान की हैसियत से जाना क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक कंट्री को एज ए कैप्टन रिप्रेजेंट करना एक बहुत ऑनर की बात होती है कि आप गोल आपका ये होता है, आप एज क्रिकेट खेलते हो तो आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करो। तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था कि मैं अपनी कंट्री को एज ए कैप्टन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इतने बड़े इवेंट में। तो जब मैं कैप्टन अनाउंस हुआ था, मेरा एक ही गोल था कि हम लोगों को अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है और कोशिश करना है कि टीम को जिताऊं। ओवरऑल अगर वर्ल्ड कप के तनाजुर में मैं आपसे बात करूं, कैसा एक्सपीरियंस रहा वर्ल्ड कप में क़यादत करना, वर्ल्ड कप में टीम को खिलाना, वर्ल्ड कप जैसा बड़ा इवेंट जनूबी अफ्रीका में खेलना? मैं एज ए कैप्टन, मेरे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मैंने बहुत इन्जॉय करा अपनी वहाँ पर जितने भी मैचेस थे हमारे। उससे पहले अगर आप ऑस्ट्रेलिया से पहले वाला मैच भी लाए बांग्लादेश के खिलाफ, तो हमारा बिल्कुल सेम ऐसी मैच होता और लो स्कोरिंग मैच था, वो 156 का टारगेट था। उसमें भी बिल्कुल सेम सिचुएशन थी कि 1 विकेट थी और 5 रन चाहिए थे और ज़िशान ने आउट करा था। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए और मैं उस ऐसी यंग टीम को, इतनी स्किलफुल टैलेंट टीम को मैं ऐसा कैप्टन लीड कर रहा था, तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, जो मेरे कोचेस हैं जिन्होंने मुझ पर काम किया है और जिन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी है उस अंडर 19 के ऐसा कैप्टन रिप्रेजेंट करते हुए की। तो मेरे काफ़ी मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने एक ऐसा टूर्नामेंट में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करा। दैट्स वंडरफुल। लेकिन एशिया कप में जिस तरह आप पाकिस्तान के सारे फहरिस्त बल्लेबाज रहे थे, वर्ल्ड कप में कुछ बल्लेबाजी में हमने आपकी वो झलक नहीं देखी, कोई खास वजह? नहीं, खास वजह तो कोशिश यही होती है कि अपना 100% दें, अपना बेस्ट दें, लेकिन यही था कि वहाँ पर भी जिस तरह एशिया कप में परफॉर्मेंस सही थी, कोशिश यही थी कि वहाँ पर भी ऐसी दें, लेकिन अलग तरफ से कि नहीं हुई और काफ़ी चीज़ें सीखी हैं वहाँ से मैंने और कोशिश कर रहा हूँ कि उन चीज़ों में काम करूँ और आगे जो भी मेरे इवेंट्स आते हैं, जो भी मेरी आगे फर्दर चैलेंजेस होते हैं, उनको मैं अच्छा करूँ। अच्छा साहब, अब आपकी अंडर 19 टीम की तरफ आ जाते हैं और अंडर 19 टीम में कई अच्छे परफॉर्मर हमें दिखाई दिए, कई ऐसे उभरते हुए सितारे जो मुस्तकबिल करीब में बैनुल अक्वामी सतह पर पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा होंगे। तो मैं एज ए कैप्टन अगर आपसे जानना चाहूं, क्योंकि आपने उनको करीब से देखा, ड्रेसिंग रूम उनके साथ शेयर किया, फिर पाकिस्तान के लेजेंड बैट्समैन मोहम्मद यूसुफ आपके कोच रहे, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो अंडर 19 का आपका बैच था, इस बैच को आप किस तरह देख रहे हैं बैटिंग में, बॉलिंग में? वो कौन से प्लेयर हैं जो आपको लगता है कि आगे चलकर बड़ा उनका मुस्तकबिल ताबनाक है? देखें, अगर आप ओवरऑल देखें एशिया कप और वर्ल्ड कप, तो जो भी हमारा स्क्वाड था बड़ा कोई टैलेंट स्क्वाड था, क्योंकि आप देखें तो हर मैच में अलग मैन ऑफ द मैच था, तो ऑलमोस्ट सबकी तरफ से परफॉर्मेंसेस आई हैं कुछ खास। और बैच ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा वर्ल्ड कप में, काफ़ी वहाँ से टॉप 5 में उसका नाम था, तो उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। शाज़िब ने बहुत अच्छी वहाँ सेंचुरी भी करी है, 50 भी थी उसकी। तो काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं कि वो काफ़ी अच्छे उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है वर्ल्ड कप और एशिया कप में। तो मैं तो अपनी टीम पूरी 11 जो भी होती थी, मैं उन पर पूरा रिलाय करता था कि मेरी पूरी टीम कोई भी मैच में हो सकता है, अलग अलग मैच में हर कोई मैन ऑफ द मैच था। तो खासतौर बैद ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है वहाँ पर, बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। अली रज़ा ने सेमीफाइनल में बहुत अच्छी बॉलिंग करी, जो कि इतना करीब हम लोगों सेमीफाइनल में क्रूशल विकेट दिलाएँ अली रज़ा ने। तो 2 से 3 प्लेयर हैं जिन्होंने क्रूशल टाइम पर परफॉर्म करा है, लेकिन यह है कि अब आगे जो भी मेहनत करेगा, आगे जो भी अपने स्किल्स पर और अपनी डेवलपमेंट करेगा, तो वो इंशाल्लाह बड़ा प्लेयर बन सकता है। साथ आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आए हमसे गुफ्तगू की। जाते जाते मुझे ये बता दें कि अभी तो आपके करियर की शुरुआत है और अब तक की अपनी कारकर्दगी से मुतमईन है और अभी एक लंबा सफ़र है जो आपको तय करना है, तो उसके लिए किस तरह अपने आप को जो है वो तैयार कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? देखिए, मेहनत बिल्कुल जारी है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास हर साल चांस आता है और हर साल आप मेहनत करते हो, तो जो आपको चांस आता है उसको अवेल करने का मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। जो भी चांस मुझे मिले मैं उसको अवेल करूँ, ताकि मैं अपनी जो क्रेड है उसको अच्छी से अच्छी खेलता रहूँ और आगे जो अपना गोल है उसको अचीव करता रहूँ। कोशिश मेरी यही है कि मैं अपनी मेहनत रखूँ और जो मेरे रिज़ल्ट हैं अल्लाह ताला उसको ज़रूर मेरे रिज़ल्ट मुझे देंगे, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूँ।
बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साद बेग, पाकिस्तान अंडर 19 टीम के कैप्टन, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे गुफ्तगू करने के लिए। क्या अज़ायम हैं, क्या करना चाहते हैं, किस तरह अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये आपने उन्हीं की ज़बानी सुना। पाकिस्तान में खेलों के हवाले से पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के किरदार की जब हम बात करते हैं तो मामला जो है वो इस सूरत हाल में गंभीर दिखाई देता है कि पाकिस्तान में मुतवाजी स्पोर्ट्स फेडरेशन, आज पाकिस्तान को 70 साल हो चुके हैं और खेलों को बड़ी अहमियत हासिल है दुनिया में और खिलाड़ियों को किसी भी मुल्क का सफ़ीर कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी फेडरेशन हैं जो कि मुतवाजी हैं और यही नहीं पता चलता कि इन्होंने बैनुल अक्वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, एजाज़ हासिल किया है, तो ये दुरुस्त भी हैं या नहीं। फिर दूसरी तरफ जो एक अलमिया कह सकते हैं कि बहुत सारी स्पोर्ट्स फेडरेशन जो कि मुतवाजी तौर पर काम कर रही हैं, बहुत सारी स्पोर्ट्स फेडरेशंस को पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की जो है वो सपोर्ट हासिल है, और जिनको पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की सपोर्ट हासिल नहीं उनको पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है। जिन फेडरेशन के साथ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड साथ खड़ा हुआ है उन फेडरेशंस के अंदर आपको मुतवाजी फेडरेशंस दिखाई नहीं देंगी। अलमिया यह है कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी वो भी इस लपेट में आ चुका है और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की भी दो मुतवाजी फेडरेशंस अब सामने आ गई हैं, तो हुकूमत वक्त को पाकिस्तान में खेलों के हवाले से शदीद तवज्जो देने की ज़रूरत है। और आज इस हवाले से हम अपने इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान सॉफ्ट बॉल फेडरेशन के सदर आसिफ अजीम साहब, जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के तर्जुमान भी हैं, और उनके साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन तारिक जफर साहब, जो कि सिंध के सदर भी हैं। तो गुफ्तगू की शुरुआत आसिफ अजीम आपसे मैं करना चाहूँगा, ये मामला कब ख़त्म होगा और आपको क्या लगता है, जिस तरह मैंने अपनी गुफ्तगू की शुरुआत में कहा कि जिन फेडरेशन को पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन सपोर्ट करता है उनको स्पोर्ट्स बोर्ड नहीं करता, जिनको स्पोर्ट्स बोर्ड करता है उनको ओलंपिक एसोसिएशन नहीं करता, और ये मुतवाजी फेडरेशंस का एक बड़ा आलमिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया याहिया हुसैनी साहब, आपने आज जिस अहम मौजू के ऊपर ये प्रोग्राम रखा है, मैं समझता हूँ कि मतवाजी जो एसोसिएशंस हैं या फेडरेशंस हैं वो अब इस मुल्क के खेल के लिए एक नासूर बनती जा रही हैं, और इससे जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो हमारे खिलाड़ियों का होता है। उसके साथ साथ जो मेरा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, चाहे इंटरनेशनल बॉडीज़ हों या एशिया के लेवल पे हों, सबसे ज़्यादा इस मुल्क की जगह साई होती है और पाकिस्तान का नाम ख़राब होता है। या तो हमारी स्पोर्ट्स की स्टैंडिंग इतनी अच्छी हो, इतनी तगड़ी हो कि हम दुनिया के खेल के अंदर इस चीज़ को साबित कर सकें कि जी हमें कोई एसएच फेडरेशंस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर छोटे मोटे हैं तो उसको आगे पीछे किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि स्पोर्ट्स में अगर आप रैंकिंग देखते हैं तो कोई खेल ऐसा ऐसा नहीं है कि जहां हम बहुत टॉप लेवल के ऊपर हों, और अगर खेलों का जो ज़िम्मेदार है खिलाड़ियों को तैयार करने का, खिलाड़ियों को इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर भेजने का, उनकी ट्रेनिंग व दीगर चीज़ों को देखने के हवाले से, तो वो उसकी फेडरेशंस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक फेडरेशंस के बाद दूसरी, उसी खेल की दूसरी फेडरेशन बनती ही क्यों है? अगर हम माजी का मवाजना करें इस हवाले से, तो मोस्टली जो पैरेलल फेडरेशंस या एसोसिएशन बनती हैं वो उन्हीं अहदेदारान से ही निकलती हैं कि जो पहले ओरिजिनल या एक होता है कि एक फेडरेशन या एक एसोसिएशन का वो हिस्सा थे। ठीक हो गया आसिफ अजीम साहब, मजीद आपसे गुफ्तगू करूंगा। गुफ्तगू में अब तारिक जफर को भी मैं शामिल कर लेता हूं, जो कि सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के, और जिस खेल को सबसे ज़्यादा मुतवाजी फेडरेशन ने नुकसान पहुंचाया है ये वो खेल है जिसके सेक्रेटरी जनरल हैं तारिक जफर, और आज तक ये दर्द महसूस कर रहे हैं। तो तारिक जफर साहब, अब मामला हल हो गए या अभी आप मुतवाजी फेडरेशन के जो हैं वो दर्द को सह रहे हैं? शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपके चैनल का, बहुत शुक्रिया, अमूमन आप हमें टाइम देते हैं ख़ासतौर से बॉडी बिल्डिंग को, स्पोर्ट्स को। कहने का मकसद ये है कि अभी इन करीबी दिनों में हम लोगों ने गेट टुगेदर किया था, कॉर्नर्स मीटिंग की, जिसमें तकरीबन आसिफ साहब भी इस चीज़ का गवाह है और पाकिस्तान सिंध ओलंपिक अहमद अली राजपूत हमारे दरमियान थे। ये मामला तकरीबन सॉर्ट आउट हो गया है हमारे हवाले से, थक गए हम लोग काफ़ी तक बुख्ता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी सॉर्ट आउट हो गया है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में कहता हूँ जब आप थक जाएँ
तब तो काम दोबारा शुरू करना चाहिए। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन हमारे मसले जो थे फेडरेशन के हवाले से वो सुलझ गए इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं, जिस तरह आसिफ अजीम ने बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू की जो मुतवाजी फेडरेशन हैं, जिस तरह मैंने कहा कि कहीं ओलंपिक एसोसिएशन जो है उनकी आशीर्वाद हासिल है, और जिनको ओलंपिक एसोसिएशन की आशीर्वाद हासिल नहीं है उनको पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की आशीर्वाद हासिल है, और पाकिस्तान में ये जो मुतवाजी फेडरेशन का एक नासूर है उसकी बुनियादी वजह जो है पाकिस्तान स्पोर्ट्स को पाकिस्तान में देखने वाले ये दो इदारे हैं। ठीक है यार भाई, सबसे पहले तो मैं आसिफ साहब ने जो बातें की इसकी मैं तायद करता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त अच्छी तरीके से इन लोगों ने एक्सप्लेन किया। मैं ये चाहता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स में बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है हमारे मुल्क में, और बदकिस्मती से इस मामले के शिकार हैं हम लोग, मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया में हर गेम में, आसिफ साहब भी इस चीज़ के गवाह होंगे कि हर गेम में हम चैम्पियन बन सकते हैं, वर्ल्ड चैम्पियन बन सकते हैं, बसूरत है कि अंडर अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान ओलंपिक स्पोर्ट्स बोर्ड, फेडरल स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, बाकी सूबाई, ये सब एक पेज पे हो जाएं, तब हमारा ऐसे मुनाफा होगा और तब हम किसी जगह पे पहुंचेंगे। लेकिन ये कैसे होगा ये अभी ऊपर वाले ही जाने। तो आसिफ अजीम, एक बार फिर अगर मैं आपकी तरफ आ जाऊं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप दुनिया भर में घूमते हैं, एशियन कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक में आप पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से एक्शन में दिखाई देते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ ये जो मुतवाजी फेडरेशन का दर्द है, मसला है, ये सिर्फ पाकिस्तान की सतह तक है या बाकी मुल्कों में भी ये मामला हैं? यही भाई, जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है इसका तनासब साउथ एशियन अगर हम कहते हैं कंट्रीज़ में वो ज़्यादा है, हमारे पड़ोस में भी इस तरह के मामलात हैं। इंटरनेशनली अगर आप यूरोप या दूसरी जगह आप देखें तो वहाँ एस एच मामलात इतने ख़राब नहीं हैं, और वहाँ पे एक पूरा पैरामीटर एक चीज़ बनी हुई है कि वहाँ की नेशनल ओलंपिक कमेटी की क्या जिम्मेदारियाँ हैं, और वहाँ का जो स्पोर्ट्स गवर्नमेंट जिसको हेड करती है मिनिस्टर है या उसकी मिनिस्ट्री के अंडर जो अम्ब्रेला काम हो रहा है उसका क्या काम है। ठीक, तो जब आप एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि जी ये मेरा काम है, तो उसके बाद फिर मसाइल एज सच इतना सर नहीं उठाते। अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मती हमारे यहाँ यही रही है कि जो भी इदारा हमें इस हवाले से हेड कर रहा होता है तो कुछ लोग मतवातर आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, मिनिस्ट्रियाँ चेंज होती हैं, मिनिस्टर्स चेंज होते हैं, पॉलिसीज़ जो हैं वो तसलसल के साथ जो है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता। इसमें मैं समझता हूँ कि फेडरेशंस जो हैं उनको भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, और उन्हें इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि 100%, क्योंकि मैंने जैसे भी आपने जिक्र किया इंटरनेशनल लेवल्स पे जो सबसे ज़्यादा सफ़र हो रहा है वो हमारा खिलाड़ी हो रहा है। अभी आपने हॉकी की बात की, मैं इंटरनेशनल इवेंट्स में जब भी पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ रहा तो मैंने अपने प्लेयर्स को, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है लेकिन ये तल्ख हकीकत है, कि अपने प्लेयर्स को बजाय कि वो अपने गेम पर फोकस करें, उन बेचारों को अपनी डेली का मसाइल होते थे, वो अपनी नौकरियों का बेचारा रोना रो रहे होते थे, और उनको ये नहीं पता होता था कि वापस जाके उनको इस इवेंट के पैसे मिलेंगे भी या नहीं। अच्छा, आपने वसाइल की बात की, तो तारिक जफर, जिस खेल के साथ आप वाबस्ता हैं बॉडी बिल्डिंग, ये तो बग़ैर पैसे के मामला चल ही नहीं सकता। आप बैनुल अक्वामी इवेंट में जाना तो दूर की बात है, एक बॉडी बिल्डर के ऊपर ठीक ठाक सरमाया लगता है अगर उसने अपने आप को तैयार करना है डोमेस्टिक इवेंट के लिए, बैनुल अक्वामी इवेंट के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स बोर्ड से पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन को क्या मराहत मिलती हैं, ओलंपिक एसोसिएशन आपके साथ क्या तआवुन करता है? फिर से आया भाई वो बात बोलूँगा, आप फिर बोलोगे कि ब्लैक शीप से और सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो, फिर से मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले जो सेक्रेटरी थे, हम से पहले जो सेक्रेटरी थे, कागज़ों में टीम जाती है, कागज़ों में टीम आती है। पिछले दफ़ा, पिछले साल हमारी टीम गई एशिया, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अहमद अली राजपूत साहब ने हमारा, सोहेल राजपूत साहब ने हमारा बहुत मदद किया और हम लोग सब प्लेयर्स मेडल लाए तकरीबन, और उन लोगों ने कहा कि यार पहली दफ़ा मेडल्स में कागज़ में टीम आ रही है और ओरिजिनल टीम जा रही है, इस दफ़ा कागज़ों में आ रही है जा रही नहीं है। फिर से मैं कह रहा हूँ खुदारा, अंडर अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान ओलंपिक स्पोर्ट्स बोर्ड, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रियाँ, ये सब एक चैनल पे हो जाएं। ये मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के स्पोर्ट्स में इतना टैलेंट है और इतना इसमें इंशाल्लाह ज़बरदस्त मामला हो जाएगा, पाकिस्तान अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा स्पोर्ट्स के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका, पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ मौजूद थे तारिक जफर, और पाकिस्तान सॉफ्ट बॉल फेडरेशन के सरबरा आसिफ अजीम जो कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के नुमाइंदे भी हैं, उनके साथ आज के इस प्रोग्राम में हमने की, और हमने इन चीज़ों पर आज तफसील से बात की कि पाकिस्तान में जो खेलों की मुतवाजी फेडरेशन हैं
वो क्यों सामने आ रही हैं और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इन मामलात में क्या किरदार अदा कर सकता है। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। आप हमारे एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याजसन को अपने स्कोर की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।